नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। लंबे समय से मेरे चैनल के छात्रों की मांग रही है कि मैं UGC नेट JR ऐप के ऊपर एक सीरीज लेकर आऊँ जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो, तो मैं यह करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है और इसके बाद UGC नेट JR ऐप हिंदी के मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इस पर एक लेक्चर बनाया है, इसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें लिखा हुआ है UGC NET JR ऐप हिंदी। आज हम पढ़ेंगे UGC NET के सिलेबस में जो इकाई 5 है हिंदी कविता, और उसमें पहली जो कविता है वह है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि इसकी कथानक क्या है, इसका कथानक क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय मतलब होता है सर्ग अथवा अध्याय अथवा चैप्टर। तो इसका कथानक क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसको आप समझ जाएंगे। तो यह दो एपिसोड रहेगा इसमें, यह मेरा पहला भाग है, एक भाग और आएगा। तो पहले भाग में हम सिर्फ उसकी कहानी का अध्ययन करेंगे कि उसकी स्टोरी क्या है और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से पात्र हैं इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रवरदाई नाम के जो महान कवि हुए हैं वह दिल्ली के जो अंतिम सम्राट हुए हैं, हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राज कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनके प्रसिद्ध कवि हैं। और यह भी माना जाता है कि जो चंद्रवरदाई हैं वे केवल उनके सामंत ही नहीं, राजकवि नहीं है, बल्कि उनके परम मित्र भी थे और वे अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। 6 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, व्याकरण का, काव्य का, साहित्य का, छंद शास्त्र का, ज्योतिष का, पुराण का, तो इन सभी बातों का उन्हें ज्ञान था, उन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ था चंद्रवरदाई ने। और यह भी माना जाता है कि चंद्रवरदाई और महाराज पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई। यह सब किंवदंती है लेकिन ऐसा माना जाता है। चंद्रवरदाई किस लिए प्रसिद्ध है? चंद्रवरदाई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वह है उनके द्वारा रचित 2500 पृष्ठों का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो उन्होंने रचा, जो ग्रंथ रचा है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो काव्य में 69 समय या सर्ग या अध्याय है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने अध्याय हैं, सर्ग हैं, समय हैं? 69, और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से मुख्य छंदों में कवित, छप्पय, दुहा, दुहा मतलब दोहा, त्रोटक, तोमर, गाहा, आर्य आदि आदि हैं। अब पृथ्वीराज समय में, पृथ्वीराज रासो में जो 69 समय अथवा सर्ग हैं, इसमें जो रेवा तट समय है, रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है या फिर 27वां अध्याय है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य जो रेवा तट पर जो संघर्ष होता है, जो युद्ध होता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो रेवा तट में किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें थोड़ा यह संक्षेप में, फिर आगे मैं पूरा कथानक बताऊंगा आपको। जब शहाबुद्दीन गोरी को यह पता चलता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान आखेट के लिए या शिकार के लिए रेवा तट, रेवा मतलब नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है रेवा, और नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान में, सतपुड़ा मैकल की पहाड़ियों से जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक नाम का जो स्थान है वह कहां पर है? सतपुड़ा मैकल की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो उसी के तट के आसपास का एरिया को यहां पर कहा गया है रेवा तट। तो जब शहाबुद्दीन गौरी को उसके गुप्तचर बताते हैं कि महाराज पृथ्वीराज चौहान वहां पर आखेट करने के लिए आए हैं, शिकार करने के लिए आए हैं, तो वे अपनी सेना सहित पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान तुरंत संभल जाते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बना लेते हैं। तो यह तो संक्षेप में है, आगे मैं पूरा आपको इसके डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए स्पष्ट है कि इस सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेट रथ होना तथा शहाबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती है। मतलब उनका कहना है कि रेवा तट यहां से इसका नामकरण नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वास्तव में जो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यहां पर भीषण युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। अब रेवा तट सर्ग की कथा इस प्रकार है। यह मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इससे संबंधित जो प्रश्न आपको परीक्षाओं में आएंगे, किसी भी परीक्षा में,
तब क्या होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में तो यह है ही। तो यदि आपको इसकी कहानी पता है तो आप उत्तर देते आपको बनेगा, आप पात्रों से परिचित हो पाएंगे, इसकी कहानी को संक्षेप में समझ पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम है चामंड राय, और चामंड राय जब देवगिरी पर विजय प्राप्त करके वापस आते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि हैं वे पृथ्वीराज चौहान के प्रशस्ति में उनका गुणगान करते हैं। जैसे चारण भाट वगैरह होते थे तो कवि उनका गुणगान करते हैं, उनकी कीर्ति और शौर्य और यश का वर्णन करते हैं, भले ही जीता उनके सेनापति ने। तो उनके जो सेनापति हैं ये भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो एक दिन चामंड राय जो उनके सेनापति हैं वे पृथ्वीराज से कहते हैं कि रेवा अर्थात नर्मदा नदी के तट पर एरावत हाथी के समान बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं। अब एरावत हाथी कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें जब राक्षसों और देवताओं के बीच उनके द्वारा जो समुद्र का मंथन किया गया था तो वहां पर एरावत हाथी निकला था, और उस एरावत हाथी को भगवान शंकर ने किसको दे दिया था? इंद्र को दे दिया था, मतलब देवताओं को दे दिया था। तो इनका कहना है कि रेवा तट पर चलिए शिकार करने चलते हैं, क्योंकि एरावत हाथी जैसे बहुत सारे हाथी वहां पर पाए जाते हैं। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कविचंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। अब पृथ्वीराज चौहान को यह पता था कि जो हाथी है वह देवताओं का वाहन है, यह तो उनको पता था। फिर महाकवि चंद जो बहुत ही विद्वान है उनके दरबार में, उनके राजकवि भी हैं, तो उनसे पूछते हैं, हे चंद मुझे यह बताओ कि ये जो भगवान का जो वाहन है, जो देवताओं का जो वाहन है, ये जो हाथी, वे धरती पर कैसे आ गए? इनको तो स्वर्ग में होना चाहिए। उस समय हाथियों का शिकार या फिर अन्य जीव जंतुओं का जो शिकार, जंगली जीवों का शिकार बहुत ही कॉमन बात थी, और अपने मनोरंजन के लिए, आखेट के लिए राजा महाराजा वन में जाया करते थे, क्योंकि आज के जैसे इंटरनेट और यह सारी सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास है, इसलिए समय समय पर प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। तो उस समय राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे, हाथियों का शिकार का भी प्रचलन था। तो अब पृथ्वीराज चौहान की जिज्ञासा यह थी कि वे अपने महाकवि चंद से पूछते हैं कि कृपया मुझे यह बताइए कि जो देवताओं के जो वाहन है हाथी, वे धरती पर कैसे आ गए। तो कवि चंद्रमरदाई उत्तर देते हैं कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था जो कि 100 योजन तक फैला था। 100 योजन मतलब दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक। तो यह अतिशयोक्ति है, यहां पर कोई बरगद का पेड़ इतना नहीं फैलता है। एक दिन क्या हुआ, हाथी स्वभाव से क्या है, उत्पाती स्वभाव के होते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। तो वे विचरण करते हुए उस बरगद के वृक्ष की बहुत सारी डालों को उन्होंने तोड़ दिया, और वहीं पर एक ऋषि का आश्रम था, दीर्घतपा नाम के जो ऋषि थे, उन दीर्घतपा नाम के जो ऋषि थे उनके आश्रम को उन्होंने उजाड़ दिया। अब इस बात से क्रोधित होकर जो ऋषि हैं उन्होंने उन मदान हाथियों, मतलब जो एकदम जैसे जो शराबी होते हैं, जो एकदम झूमते रहते हैं, उनको उन्होंने शाप दे दिया। और क्या शाप दिया? कि तुम्हारा जो स्पीड है, जो इधर उधर तेजी से गतिविधि करते हो, तुम गतिविहीन हो जाओ। गतिविहीन का इसका मतलब नहीं था कि जड़ हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, मतलब तुम्हारी जो चाल है बिल्कुल धीरे धीरे मंद मंद हो जाए। और जब धीरे धीरे चलने लगे तो मनुष्यों ने क्या है, उन पर सत्ता हासिल कर लिया और हाथियों को अपनी सवारी बना लिया। तो यह है, तो मतलब स्वर्ग में वापस नहीं जा पाए, यहीं पर आ गए, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए उनको बहुत तेजी से चलना पड़ता ऊपर। तो यह सब कहानी है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करना। तो कविचंद ने आगे बताया, कविचंद आगे बोलते हैं, महाराज अंग देश नाम का एक क्षेत्र है, वहां के वन में लोहिताक्ष सरोवर, एक सरोवर का नाम है लोहिताक्ष, वहीं पर ये जो शापित जो हाथी हैं उनका झुंड वहां पर क्रीड़ा करता था, क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद है, अपने ऊपर पानी फेंकते हैं, खेलते हैं। और उसी वन में एक पालकाव्य नाम के ऋषि रहते थे, जहां पर ये हाथी खेलते थे, क्रीड़ा करते थे पानी में, और वहीं पर एक पालकाव्य नाम के ऋषि रहते थे और जो हाथियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये दूसरे ऋषि हैं, ये हाथियों से प्रेम करने वाले ऋषि हैं। अब पृथ्वीराज जी के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि हे कविराज मुझे यह बताइए कि वे जो ऋषि हैं पालकाव्य, वो हाथियों से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते थे, इस प्रेम का क्या कारण था। अब चंद्रवरदाई बताते हैं कि एक बार एक ब्रह्मर्षि मतलब बहुत महर्षि, वो घोर तपस्या में रत थे, और उसको देखकर देवराज इंद्र डर गए कि यदि ये अपनी तपस्या में सफल हो गए तो मेरा सिंहासन न ले ले, यहां तक ना पहुंच जाए स्वर्ग तक। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वे रंभा नाम की जो अप्सरा है, एक अप्सरा है रंभा नाम की, उसको ऋषि के पास भेजा ताकि वे उसको देखकर उनकी तपस्या भंग हो जाए। तब ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हाथिनी होने का शाप दे दिया। अब जो रंभा नाम की जो अप्सरा वहां पर आई, उनको डिस्टर्ब करने लगी, मतलब विभिन्न प्रकार से उनको डिस्टर्ब कर रही थी ताकि वे उसके मोह पास में बंध जाए और उनका जो तपस्या है उनकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन क्या हुआ, ऋषि ने उनको शाप दे दिया और बोला कि जाओ तुम हथिनी हो जाओ, तो वह हथिनी हो गई।
अब ये तो ये स्टोरी यहां पर खत्म होती है। वो हथनी बनकर वो घूम रही थी, एक दिन क्या हुआ, एक और ऋषि थे, एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया जिसे उस हथनी ने खा लिया और पाल काव्य मुनि का जन्म हुआ। एक दिन एक ऋषि सो रहे थे, वो भी ब्रह्मर्षि कोई महाऋषि हुए होंगे, तो उनका योग लेसन हो जाता है, जो सीमेन निकलता है उस सीमेन को हथनी खा लेती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है और उसी हथनी से पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। और इसीलिए जो पालकाव्य मुनि है वे हाथियों से बहुत प्रीति रखते थे। अब आपको इसको बहुत साइंटिफिक गहराई में नहीं जाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक कहानी है, तो इसे कहानी की तरह लें और इसको मजा लें, और परीक्षा में आपको क्लियर करना भी जरूरी है। तो पालकाव्य ऋषि और वे शापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। अब इस प्रकार वहां पर हाथी लोग खेलते घूमते रहते थे पानी में, वहीं पर वे ऋषि रहते थे, वे आपस में एक दूसरे से बड़े प्रेम करते थे, पालकाव्य ऋषि बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में एक राजा रोमपाद नाम के एक राजा थे, वे शिकार खेलने आए और वे हाथियों को पकड़कर अपने राज्य में ले गए चंपापुरी में, क्योंकि धीरे अब ये क्या है, हाथी लोग उतने पावरफुल नहीं रह गए थे, धीरे धीरे घूमते रहते थे, तो उनको पकड़कर चंपापुरी ले गए। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए, क्योंकि हाथी उनसे बहुत ही प्यार करते थे उस ऋषि से, तो धीरे धीरे वे दुर्बल होते गए, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए। फिर पालकाव्य ऋषि वहां आए और उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की, कोपल पराग पत्ते छाल शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हृष्ट पुष्ट हो गए। जितने भी हाथी थे वे पालकाव्य ऋषि को मिस करने लगे, उनको याद करने लगे, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। तब राजा ने ऋषि को बुलाया, ऋषि वहां पर आए और उन्होंने उनकी अच्छी खातिरदारी की हाथियों की, उनके पसंद का भोजन खिलाया और धीरे धीरे सारे हाथी क्या है स्वस्थ हो गए, पुनः हृष्ट पुष्ट हो गए। मुझे लगता है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही होगी, मुझे तो अच्छी लगी। और कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृतांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। जब कवि चंद ने यह सारी बातें बताई तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही खुश हुए और उनको पता चला कि जो एरावत हाथी है उसी के वंशज जो हाथी लोग वहां पर विचरण करते हैं, तो क्यों न चलकर उनका शिकार किया जाए। तभी चमन राय ने पृथ्वीराज चौहान को यह भी बताया, जैसे हम कहीं पर जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट में और कोई हमारा मित्र पहले से जा चुका है वहां पर, तो हम उसे पूछते हैं तो वो हमको प्रेरित करता है कि वहां पर अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप वहां पर जाकर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, तो ऐसी बात है यहां पर। तो चमन राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। अब उनके जो सेनापति चमन राय ने कहा, महाराज वहां पर सिर्फ हाथी नहीं पाए जाते, बल्कि जब आप शिकार करने के लिए वहां जाएंगे रेवा तट पर, तब वहां पर हाथी भी शेर भी मिलेंगे आपको, सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं, तो उनको प्रेरित कर रहे हैं। और चमन राय आगे बताते हैं कि वहां पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं, और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। तो जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने आते हैं, कोई मित्र देख के आ चुका बताता है कि बहुत जबरदस्त मूवी है, ये सारी चीजें हैं वहां पर, या कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वैसे चमन राय बताते हैं कि वहां पर तो एक से बढ़कर एक जलाशय है, पहाड़ है, कस्तूरी मृग है, कबूतर है, अन्य पक्षी है, और आप अगर दक्षिण दिशा तरफ चले जाते हैं तो वहां का सौंदर्य तो और भी बेहतरीन है, बहुत ही अवर्णनीय है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी। जयचंद नाम के एक और शासक हैं जिनसे उनकी बहुत जबरदस्त शत्रुता थी, प्रतिद्वंदिता थी, तो बोलते हैं कि यदि मैं वहां शिकार करने जाता हूं तो जयचंद को ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीय है, स्थान भी सुंदर है। अतः पृथ्वीराज चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान किया, तो अपने पूरे लाव लश्कर लेकर अपने सेना के साथ बोले चलिए चलते हैं वहां पर हम शिकार करने के लिए, तो निकल जाते हैं। तो उस एरिया में रहने वाले जो भी राजा थे, अब पृथ्वीराज चौहान तो सम्राट थे, बहुत महान शासक थे, तो आसपास रहने वाले जितने भी राज्य थे वहां के राजाओं ने उनका खूब स्वागत किया, अवगत किया, और पृथ्वीराज चौहान ने भी वहां शिकार का बहुत आनंद लिया। उसी समय जो लाहौर का जो शासक है, लाहौर के शासक चंद पुंडीय दाहिम, उनका पत्र मिला, ये इनके मित्र थे, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। और चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए, क्योंकि लाहौर के बाद वो इधर आते दिल्ली तरफ। तो पृथ्वीराज चौहान को जब पत्र मिला कि वहां के शासक का चंद पुंडीर दाहिम का, कि ये जो शहाबुद्दीन गौरी है उन पर आक्रमण करना चाहता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो उसके पत्र को पढ़कर वे लाहौर की तरफ चल दिए। और पृथ्वीराज चौहान ने सभी सामंतों से, उनके जितने भी सामंत थे, उनके साथ विचार विमर्श किया, मंत्रणा किया और गौरी से युद्ध की घोषणा कर दिया। और चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। तो चंद पुंडीर को पहले सामना करना था गौरी का, तो उसने अपनी सेना को पहले से ही तत्पर कर दिया, सावधान कर दिया कि जैसे ही गौरी की सेना यहां पर आती है उस पर टूट पड़ो। पृथ्वीराज चौहान ने भी सामंतों को युद्ध के लिए तैयार किया और लाहौर की ओर कूच किया।
गौरी ने जब चिनाब नदी पार की, चिनाब नाम की एक नदी पड़ती है, जब उसको पार किया तो उस समय उसके पास 8,000 हाथी और 18,00,000 घोड़े थे, बहुत बड़ी सेना थी। और वहां पर चंद पुंडीर लाहौर में उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। तो वहां पर शहाबुद्दीन गौरी और इनमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ चंद पुंडीर में। और पुंडीर वंश के जो 5 महान योद्धा थे उनके शहीद होने के बाद चंद पुंडीर ने आत्मसमर्पण कर दिया और गौरी चिनाब से आगे बढ़ गया। चिनाब से आगे बढ़ गया मतलब इधर आने लगा वो दिल्ली तरफ। इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, तातार मारूफ खां कौन था, गौरी का प्रधान सेनापति, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित हो उठे और गौरी को फिर से बांध देने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि बहुत पास आ गया है वो, तो वो तो पहले ही पराजित हो चुके थे, कौन, चंद पुंडीर। अबे लाहौर के बाहर मतलब लड़ाई हो रही थी और लाहौर के बहुत पास आ गए थे, उस पर अधिकार करना चाह रहे थे वो लोग। तो पृथ्वीराज चौहान बोले, बहुत क्रोधित हुए, बोलते फिर से इस बार उसको बांध लूंगा। और पंचमी तिथि को मंगलवार को पृथ्वीराज ने गौरी पर चढ़ाई की। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है बहुत ही तत्परता के साथ उन्होंने गौरी के ऊपर चढ़ाई कर दिया और उनके जो सेना थी वो तितर बितर हो गई गौरी की, और दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। अब दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब ये समर सिंह, जय पवार, चामन राय, हुसैन खां आदि ये पृथ्वीराज चौहान के सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वे गौरी की सेना को छिन्न भिन्न करते रहे। और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वह चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। पहले दिन सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध रुक जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल से पुनः युद्ध शुरू होता है। और यहां पर उन्होंने लिखा है कि अप्सराएं देवलोक छोड़कर युद्ध भूमि पर आई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। तो यहां प्रतिसंयुक्ति है, मतलब स्वर्ग की अप्सराएं भी नीचे आ गई और जो शहीद हो गए हैं उनका वरण करने लगी, उनको पति के रूप में स्वीकार करने लगी उनकी आत्मा को, ऐसा कहना है। मतलब चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। तो गौरी पक्ष के भी योद्धा मारे गए, उसका ज्यादा वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन रावण, संभर सिंह, सोलंकी, माधव राय, गरु गोविंद, पतंग जय सिंह, चंद पुंडीर, कुरंब, आहुट, लखन लोहाना आदि बहुत से वीर, पृथ्वीराज चौहान की सेना के जो बहुत सारे वीर है ये मारे गए थे। इन नामों को आपको याद रखना है। अब यह युद्ध 4 दिन तक निरंतर यह युद्ध चलता रहा। और चौथे दिन जो पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा है जिनका नाम था गुज्जर रघुवंशी राम, इन्होंने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। तो पृथ्वीराज चौहान गौरी को बांधकर दिल्ली ले गए और यहां पर वो कितने दिन उनके कैद में रहे। तो जो मोहम्मद जो शहाबुद्दीन गौरी है वह 1 माह और 3 दिन तक पृथ्वीराज की कैद में रहा हुआ। और शहाबुद्दीन के अमीरों ने, पहले अमीर होते थे उनके जैसे हमारे यहाँ सामंत होते थे पहले, वैसे उनके यहाँ अमीर होते थे उनके दरबार में। तो जो शहाबुद्दीन के अमीर ने पृथ्वीराज चौहान से उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि भाई इनको छोड़ दीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको दंड के रूप में कुछ उनसे राशि वसूल की। और क्या क्या लिया उन्होंने, 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गज मुक्ता और अनेक माणिक दिए। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहनाव उड़ाकर उसके घर भेज दिया। और यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उनके साथ संधि कर ली। पृथ्वीराज चौहान ने उनसे संधि कर ली और उसे उनका अच्छे से खातिरदारी भी किया, उनको अच्छे कपड़े वपड़े पहनाकर उनको वापस भेज दिया। तो कुल मिलाकर यहां पर रेवा तट की कथा समाप्त होती है। और आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जब आपको मैं बता देता हूं, तो इसमें रेवा तट में कौन कौन से स्थानों का उल्लेख हुआ है, कन्वज मतलब कन्नौज, गजनी मतलब अफगानिस्तान, दिल्ली मतलब दिल्ली, देवगिरी मतलब देवगिरी, लाहौर, रेवा मतलब नर्मदा नदी। और यहां पर किन अप्सराओं का उल्लेख हुआ है, रंभा तथा मेनका अप्सराएं, इनके मध्य संवाद का उल्लेख हुआ है जो इंद्रलोक से आई थी ये। इसके बाद प्रयुक्त छंद कौन कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें, दुहा या दोहा अपभ्रंश में जिसे दुहा कहा जाता है, कवित, अरिल, गाथा, साटक, कुंडलिया, छंद कंठ शोभा, छंद दंडमाली, छंद मोतीदाम, भुजंगी, छंद रस वाला। तो इस प्रकार यह रेवा तट सर्ग या रेवा तट समय की यह कहानी है, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यह मेरा पहला भाग है रेवा तट का। और रेवा तट का जो दूसरा भाग होगा उसमें सीधा मैं स्मरणीय तथ्यों को लेकर वन लाइनर लेकर आपके सामने आऊंगा। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और यदि आप कंटिन्यू लेक्चर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं मुझे कि मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा।
साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।